कितने लोग कितनी सारी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। कोई पिंपल से बेचारा परेशान होता है, तो कोई उसके मार्क्स से परेशान होता है, कोई पिगमेंटेशन से परेशान होता है, कोई एजिंग से परेशान होता है, कोई अपने हस्बैंड से परेशान होता है। लेकिन एक ऐसी ही प्रॉब्लम है, कई लोग ब्लैक हेड से परेशान हैं। अरे अरे अरे, मेरे रहते हुए अगर आपके स्किन में ब्लैक हेड्स हो गए तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ कोई चुल्लू भर मैं क्यों करूँ। आपको मेरे वीडियोस को लाइक करना चाहिए, आपको मेरे वीडियोस को शेयर करना चाहिए, आपको मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आप वीडियो देख पाओगे, वीडियो देखोगे तभी तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा तभी तो आप उसको यूज़ कर पाओगे, यूज़ करोगे तो तभी अपनी प्रॉब्लम से इतनी अपनी जान छुड़ा पाओगे, पीछा छुड़ा पाओगे और अपनी स्किन को ब्लैक हेड्स फ्री, पिंपल्स फ्री या जो भी है एक्ने फ्री, ये सारी चीज़ों से दूर करके अपने स्किन को घर बैठे एकदम नेचुरल तरीकों से, नेचुरल रेमेडीज मेरी खासियत है, नेचुरल तरीके से आप अपनी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाओगे। Yes. तो इसलिए गाइस प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ में ब्लैक हेड्स का एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ, एक ऐसी क्रीम है जिसको बस आपको अपने जहाँ पे भी आपको ब्लैक हेड्स है, चाहे नोज पे हो, चाहे चीक्स पे हो, चाहे चिन पे हो, कहीं पे भी हो, बस वहाँ पे अप्लाई करें, रात भर रहने दे, दूसरे दिन मॉर्निंग में आपके सारे ब्लैक हेड्स गायब। यस, ये जेल है एक्चुअली, ये बहुत सुपर्ब और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है ब्लैक हेड्स को एकदम झट से खत्म करने का और आपकी स्किन को अनक्लॉक करने। बहुत हो गई बकबक, मैं आपको बताती हूँ जेल कैसे बनेगा। ये जेल बनेगा नींबू से, ठीक है, लेमन के छिलके से। लेमन के छिलके में गाइस वो पावर है जो आपके पोर्स को अनक्लॉक कर सकता है। तो आपको क्या करना है, दो नींबू लेना है और इसको कट कर लेना है इस तरह से, उसके सारा जूस निकाल लेना है, जूस उसमें नहीं रहना चाहिए, सब कुछ निकाल लीजिए, सिर्फ पील्स हमको चाहिए। अब क्या करें, एक बर्तन में पानी लीजिए, तकरीबन डेढ़ से दो ग्लास इतना पानी लीजिए और उसमें ये सारे नींबू के छिलकों को डाल दीजिए और अब इसको अच्छी तरीके से बॉईल करें, बॉईल करें, बॉईल करें, बॉईल करें। खास बात इसकी ये है कि इसको बॉईल करने से इसका विटामिन सी चला जाएगा, जो हमको चाहिए ही नहीं। यस, हमको विटामिन सी किसी और चीज़ से मिलेगा, यहाँ पे हमको चाहिए लेमन का एसेंशियल ऑयल। यहाँ पे वो जो एसेंशियल ऑयल है ना, ये आपके पोर्स की सारी गंद को खींच के बाहर निकालता है, इम्प्यूरिटीज हो, टॉक्सिन्स हो, ये गंदे मैल हो, ये सबको बाहर निकाल देगा ये बहुत अच्छा एसेंशियल ऑयल। तो इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने के बाद में इसको ये जो लेमन पील है जैसे सॉफ्ट हो जाना चाहिए और आपकी पानी की क्वांटिटी तकरीबन एक चौथाई जितनी हो जानी चाहिए, कुछ इस तरह से। और उसके बाद में इसको ठंडा करें, ठंडा करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, एक मिक्सर जार में लेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, अच्छे से बारीक आप इसको पीस लेंगे इस तरह से, राइट। पीसने के बाद में आप चाहो तो इसको छाने या फिर नहीं छाने, आपकी मर्जी है, जितना स्मूद आपको चाहिए तो आप छान लीजिए, ठीक है, नहीं भी छानोगे तो चलेगा। अब क्या करें, एक बोल लीजिए, अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच लेमन पील की आप इसमें डालें और इसमें डालें 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल की और डालें 1 टीस्पून रोज वाटर और 1/4 चम्मच ग्लिसरीन की। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें, 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 ये आपका ब्लैक हेड्स रिमूविंग जेल बन के रेडी है। बस इसको आपको आपके ब्लैक हेड्स पे अप्लाई करना है, लेकिन पहली बार जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इसको अप्लाई करने का डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, बाद में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब पहली बार आप इसको अप्लाई करने जाओगे तो थोड़ा सा कष्ट करो और थोड़ी सी मेहनत करो ताकि आपके ब्लैक हेड्स जो है वो जल्दी रातों रात गायब हो जाए। इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा पानी गर्म करें, पानी गर्म करें, अच्छे से बॉईल कर लीजिए, जैसे हम स्टीम लेते हैं, अब स्टीम ले लीजिए, जैसा क्या लेते हैं, स्टीम ले लीजिए, ताकि आपके पोर्स जो है वो थोड़े से लूज हो, ताकि जो भी हम गंद इसमें से खींच के बाहर निकलने वाले हमको उसमें आसानी हो जाए। ये स्टीम देने के बाद अगेन एक और कष्ट कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए, है ना, हम क्या चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट, क्विक रिजल्ट, तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटा सा स्क्रब बता रही हूँ, पहली बार ही करना है आपको, ये हर बार नहीं करना है, हर बार सिर्फ क्रीम लगानी है, जो जेल लगानी है जो मैंने आपको बताई है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रब बनाने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा बेसन, ये स्टीम के बाद आपको करना है, थोड़ा सा बेसन लेना है, थोड़ा सा जो सिनेमन पाउडर होता है, दालचीनी का पाउडर वो लेना है, शुगर डाले डाले नहीं डाले आप इसको स्किप कर सकते हो, मैं शुगर भी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसमें डाले एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब डाले थोड़ा सा लेमन जूस और इसमें डाले थोड़ा सा शहद, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें, 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 और ये स्क्रब को लेके स्टीम लेने के बाद में अच्छी तरीके से अपने नाक पे, अपने चीक्स पे, जहाँ पे भी आपको ब्लैक हेड से, जहाँ पे भी, ये समझ रहे हैं आप, ठीक है, आपके अंडर आर्म्स में कहीं पे, किसी के कहीं पे भी हो सकते हैं भाई ब्लैक हेड्स,
ठीक है, जहां पे भी आपको लग रहा है ना ब्लैक हेड्स प्लस, इसको अच्छी तरीके से वहां पे रब करें। स्पेशली मैं नोज पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नोज पे बहुत ज्यादा होते हैं, जिद्दी होते हैं और बहुत गंदे लगते हैं। यहाँ पे चीक्स पे भी होते हैं, चिन पे भी होते हैं, कहीं पे भी आपको हो रहा है, बस अच्छी तरीके से इसको रब करना है ताकि स्टीम ले लिए, आपके पोर्स ऑलरेडी लूज हो चुके हैं, जो मैल है वो निकलने के लिए तैयार है, जो डर्ट है, जो इंप्यूरिटीज है वो निकलने के लिए तैयार है, जो ब्लैक हेड है वो भी निकलने के लिए, अपने हेड को बाहर करने के लिए तैयार है, तो बस उसको खींचने की देरी है। तो अच्छी तरीके से पहले उसको रब करें ताकि आपकी स्किन जो एक्सफोलिएट हो, आपके डेड सेल्स के साथ साथ आपके ब्लैक हेड्स भी थोड़े से पूरे नहीं जाएंगे स्क्रब करने से, लेकिन येस ऑब्वियसली 50-60% आपको डिफरेंस तो दिखना चाहिए आपकी स्किन में। अच्छी तरीके से रब करें, छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से रब करने के बाद उसको वॉश करें। अब बारी आती है जो जेल हमने बनाया है उसको अपने ब्लैक हेड्स पे, अपने स्किन में, अपने फेस पे अप्लाई करने की। जहाँ पे है सिर्फ वहीं पे अप्लाई करें। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपने वाइट हेड्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वाइट हेड्स पे स्क्रब नहीं करोगे। वाइट हेड्स पे चाहो तो आप स्टीम ले लेना, लेकिन स्क्रब नहीं करना। पिंपल्स है स्क्रब नहीं करना, एक्ने है स्क्रब नहीं करना, स्टीम ले लेना, उसके बाद चाहो तो ये जो जेल मैंने आपको बताया उसके उस पर अप्लाई करना। आपके पिंपल, एक्ने, वाइट हेड्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छी तरीके से अप्लाई करें, रात भर रखे, रात में अप्लाई करना है, ठीक है, रात भर रखे। स्किन सुबह उठ के देखे चिकनी चिकनी, स्मूथ स्मूथ नहीं दिखी तो नीचे आके मुझे कमेंट करके बताएं। यस, और अगर आपको देखना है ना एकदम सबर नहीं हो रहा है आपको, तो आधे घंटे के बाद ही पहुँच के देख लेना, आपकी स्किन एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी दिखेगी, ब्लैक हेड्स बहुत हद तक रिड्यूस दिखेंगे, ठीक है। और जिद्दी टफ है ना, मुझे पता नहीं क्या वो लेकर आए हैं ब्लैक हेड्स, तो बस इसको थोड़े से ये जो क्रीम मैंने आपको बताई जेल को रिपीट करें, ठीक है, रोजाना रात में सोने से पहले अपनी स्किन में अप्लाई करें। हाँ, जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो प्लीज़ उसकी जो टेस्ट है, पैच टेस्ट है, वो थोड़ा सा लेके देख लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन को सूट भी करे, कोई नुकसान ना हो आपकी स्किन पे, तो इसको एक दिन छोड़ के एक दिन अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप अपनी स्किन को क्लियर क्लीन देखना चाहते हो तो थोड़ा सा कर लो। और एक छोटी सी और कष्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं राबिया फ्रॉम राबिया स्किन एंड हेल्थ केयर आपको दुआएं भी देती हूँ यार, आप भी मुझे दुआएं दिया करो क्योंकि मैं आपके कमेंट्स भी सारे पढ़ती हूँ, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करो। ये रेमेडी, ये ट्रिक यूज़ करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिल के आता है वो भी नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपके एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं राबिया फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में इसी तरह से हिलते मिलते ढुलते और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए घर बैठे नेचुरल रेमेडीज से, नेचुरल नुस्खों से। ये हमारी खासियत है भाई, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते मेरे अगले वीडियो में, कैसे अगले, take care, love you, ma ma ma, ऐसा थोड़ी होता, bye bye।